तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज करने वाले दो गाड़ी का अपना जो कि मुकाबला मान के चलिए कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि भाई देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रेक में आ गया डिस्क ब्रेक, और ये अपना हीरो स्प्लेंडर प्लस पुराना वाला है एक्सट्रेक, तो उसमें भाई डिस्क नहीं है। तो कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किया है ये आज आप लोगों को बताने वाले हैं। अब प्राइस में कितना अंतर होना चाहते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो कितना प्राइस पड़ेगा, और अगर ये लेना चाहते हैं डिस्क ब्रेक के साथ तो कितना प्राइस में अंतर आया। तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी अच्छा जानकारी मिलने वाला, क्योंकि भाई बहुत कोई कन्फ्यूज है कि डिस्क ब्रेक क्यों लें वो क्यों नहीं लें, और ये क्यों लें कि वो क्यों नहीं लें, तो भाई कितना का प्राइस में अंतर आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो भाई हीरो सलूजा नोडिक शोरूम में बनाने को मिला है, इसके लिए शोरूम को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ का नंबर मिल जाएगा, आप अगर गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ सेल्स और सर्विस दोनों है। तो भाई चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चेंजेस है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो भाई ये रहा इधर अपना ऊपर में हो गया, यहाँ पर आपको डी आर एल में जो है स्टिकर सिर्फ कलर चेंज है, अभी ये रेड है ये ब्लू है, वो उसमें भी आपको रेड मिल जाएगा, इसमें भी आपको ब्लू मिल जाएगा। तो अभी यहाँ ब्लू अवेलेबल नहीं है, रेड अवेलेबल है और वो ब्लू अवेलेबल है, इसीलिए भाई दिखा रहा है सिर्फ ये चेंजेस है कि आप क्या क्या देख रहे हैं। तो भाई यहाँ देखिए ये पूरा जो कि वाइजर है सेम हीरो एंड स्प्लेंडर प्लस, यहाँ डी आर एल, यहाँ अपना हेलोजन बल्ब, यहाँ पर आपको स्टिकर सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगा कुछ, यहाँ पे जो स्प्लेंडर प्लस, यहाँ अपना डी आर एल, यहाँ से कलर चेंज का फ़र्क है, यहाँ पर भी हेलोजन, यहाँ भी अपना नया में हेलोजन, इंडिकेटर में कोई चेंजेस नहीं, सेम वही इंडिकेटर भाई। मडगार्ड की देखें तो मडगार्ड का पैटर्न भी लगभग लगभग एक है, कोई चेंजेस नहीं है। इधर आपका देख सकते हैं कोई सेम वही है। अब आपको बताते हैं चेंजेस। तो भाई सबसे पहला चेंजेस डिस्क से शुरुआत करते हैं कि भाई इसका पूरा सस्पेंशन चेंज है, देख सकते हैं ये पूरा सस्पेंशन चेंज है, क्योंकि भाई डिस आ गया। तो यहाँ पर ये अपना जो अपना सेट है, क्या बोलते हैं इसको यार, कैलिफर, कैलिफर यहाँ दो नट में लगेगा, इसीलिए ये पूरा चेंज है। उसमें देख सकते हैं वहाँ डिस्क का ही नहीं है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं, सस्पेंशन हुई है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका रिफ्लेक्टर कुछ चेंज करके यहाँ मिल जाएगा भाई, ये बड़ा सा फ़र्क है। यहाँ आपका डिस्क ब्रेक, ये आपका ड्रम जो कि है अपना जो एलॉय है, ये भी अपना चेंज मिलेगा। तो इस साइड से अगर एलॉय देखते हैं तो इसका लुक ओवरऑल कुछ इस तरह के एलॉय का लुक है, और इसका अगर देखिएगा तो ये रहा भाई इसका लुक। यहाँ पर अपना कॉम्बी ब्रेक, उसमें भी मीटर पीछे है, इसमें भी मीटर पीछे है, देख सकते हैं उसका पूरा जो कि अपना क्या बोलते हैं उसको यार, तो भाई उसका जो रिंग है पूरा चेंज हो गया, इसका रिंग अपना वही पुराना वाला रिफ्लेक्टर का ही है, और ये वायर वायर हट गया क्योंकि भाई अब उसमें डिस आ गया, इसीलिए ये थोड़ा मुझे कहने के अच्छा लग रहा है भाई। और यहाँ पर जो लॉक रहता था ये लगाने का, यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया भाई, ये चेंजेस है, क्योंकि भाई इधर कोई अपना लॉक नहीं है। साइड से देखिए, साइड से सेम हीरो स्प्लेंडर प्लस, सॉरी हीरो का बेजिंग, यहाँ भी अपना हीरो का बेजिंग आपको मिल जाएगा, सेम है, टंकी में कोई चेंजेस नहीं है। इधर से आपको दिखाते हैं, इसमें आपको टंकी में वही अपना स्टिकर आ गया कि 6000 या 6 महीना में या 6000 किलोमीटर के बाद फर्स्ट सर्विस के बाद अपना होगा। यहाँ पर भी E20, इधर भी अपना E20, दोनों बेजिंग आ जाएगा। स्विचेस देख लीजिए, स्विचेस में कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न है। इधर अपना डिजिटल मीटर मिल जाएगा, इधर भी डिजिटल मीटर, यहाँ आपको चार्जर मिल जाएगा, इधर भी आपको भाई चार्जर मिल जाएगा। इस साइड i3s, यहाँ भी आपको i3s, और सबसे बड़ा बदलाव आया है भाई डिस्क में। तो इसका ये जो चेंज है इसमें डिस्क वाला डिजाइन आएगा, i3s इसमें भी मिलेगा, क्योंकि देखिए पीछे ब्रेक दाबेंगे तो ये अपना पुश हो रहा है, ये स्प्रिंग पुश हो रहा है। i3s इसमें भी, ऐसा नहीं कि इसमें i3s नहीं है, डिस है फिर भी i3s है। यहाँ पर ये आपको पूरा पैटर्न अलग अपना डिस है, इसमें आपको ये नॉर्मल ब्रेक वाला जो कि लीवर है वही चेंज हो गया। तो ये अपना एक बड़ा सा चेंजेस है। साइड से देखिए स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ है यहाँ एक्सट्रेक, इस साइड भी आपको वही मिलता है स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रेक का बेजिंग। इधर आप देख लीजिए इंजन हो गया, सेंसर हो गया, कोई चेंजेस नहीं है। इधर भी देख सकते हैं इंजन सेंसर कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पर भाई जो डिस है वो डिस लिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये कॉम्बी ब्रेक इसमें भी काम करेगा। अब आपको चेंजेस की बात बताते हैं। देखिए इसका अपना जो यूटिलिटी बॉक्स है उसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन, यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा आपको, पावर बाय FI का बैजिंग मिल जाएगा, और वहाँ पर तो भाई वहाँ का प्रोग्राम बाय FI आपको स्टिकर में मिलेगा, लेकिन यहाँ भी स्टिकर है लेकिन क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलेगा, ये नया है। इसमें भी आपको चाबी मिल जाएगा, यहाँ भी अपना वही बैटरी नहीं है गाड़ी में, बाकी इधर इंजन में या फिर कहीं कोई चेंजेस नहीं है।
टायर इधर भी आपको सेम है, देख सकते हैं 80/118, उसमें भी MRF का टायर है भाई, आपका ट्यूबलेस टायर जेफर 80/118। टायर का पैटर्न आपको चेंज मिलेगा, ये इधर टायर का पैटर्न और ये रहा भाई इधर टायर का पैटर्न। पीछे से लुक देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, अपना वही सेम लुक है। और एक है जो सीट भी देख सकते हैं सेम वही है, इधर भी सीट है, सिर्फ ये ग्रैब हैंडल ये लोहा का इसमें आया है और इसमें भाई पूरा अपना एक अलग लुक में दिया है, जो कि पूरा सिंगल दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग भाई लोग चेंज करते, अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं भाई, यहीं पर आपको मिल जा रहा है। और इसमें भाई आपको ये पुराना वाला जो है, तो बस और तो कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई ले, तो भाई आप बता देते दोनों में डिफरेंस कितना है, तो प्राइस का भाई मात्र 3600 रुपये का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, आपको जिस हिसाब से जिस चीज़ का ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपना परचेस कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए, शेयर किए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।